ग्वालियर शहर में जीवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन शुक्रवार को जेयू के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति और प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की, तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ऑनलाइन मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्य ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और लोकसभा सांसद विवेक नारायण शेजवलकर उपस्थित रहे। इस अवसर पर जेयू की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला द्वारा दीक्षांत शपथ दिलाई गई। दीक्षांत समारोह में कुलपति राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल की अध्यक्षता में कार्य परिषद की विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसके बाद दीक्षांत शोभा यात्रा का सभागार में प्रवेश होते ही राष्ट्रगान की धुन बजाई गई और फिर विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम में शपथ दिलाने के साथ ही पदक वितरण भी किए गए और समारोह में अतिथियों का सम्मान किया गया। बाद में सभी का संबोधन हुआ। वहीं दीक्षांत समारोह के दौरान कोविड-19 का भी पालन किया गया। देखिए, जीवाजी विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा है, यहाँ पे विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह हुआ। मेरे अपनी ओर से सभी दीक्षांत पाने वाले विद्यार्थियों के जीवन की मंगल कामना है, शुभकामना है, और जितने अच्छे ढंग से गरिमापूर्ण तरीके से माननीय महामहिम और हम सब लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया है, उम्मीद करते हैं कि यह परंपरा कायम रहे। राज्यपाल जी ने एक महत्वपूर्ण बात करी कि लोग वर्तमान समय में उस शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, जबकि एक वक्त था कि बाहर से पढ़ने के लिए आते थे। क्या कमी नजर आती है उस शिक्षा में? नहीं, उनने तो इस बात के लिए कहा कि नई शिक्षा नीति है, वो सब बातें आई है कि बाहर के विद्यार्थी भी हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। तक्षशिला नालंदा की तरह हमने वो सारी चीज़ों को देने का भविष्य में प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से नई शिक्षा नीति के लागू करने की बधाई।